अभी मैं आप लोगों के लिए एक प्लस का कोर्स लेके आई हूँ अनअकैडमी पे, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, जो कि 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। ये कोर्स है आपका फाउंडेशन कोर्स ऑन पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी के ऊपर एक फाउंडेशन कोर्स आया है मेरा 20 जुलाई को, जो कि क्लास अभी हर एक मंगलवार और बृहस्पतिवार को होती है, यानी अभी केवल दो ही क्लासेस आपकी मिस हुई है। तो जिस भी बच्चे ने एनरोल नहीं किया है, सबसे पहले आप कोर्स को एनरोल करके वो दोनों क्लासेस देख लो, उसके बाद हम अगली क्लास मंडे को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में आप लोग एनरोल ज़रूर कर लेना, और जिस बच्चे ने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेना, ताकि आपको सारे क्लासेस का एक्सेस मिल जाए। और आप लोग जानते होंगे कि 28 जुलाई से आपके प्राइस हाइक हो जाएंगे सब्सक्रिप्शन के, तो जल्दी से आप लोग एनरोल कर लीजिए। अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके एसएससी प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे आपको 30 प्लस बैचेस एवरी वीक, 300 प्लस क्लासेस, 70 प्लस एजुकेटर्स, 40,000 आर से भी ज़्यादा का रिकॉर्डेड कंटेंट, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और 90% स्टूडेंट द्वारा इसको ट्रस्ट किया जाता है, ठीक है। अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है, अनअकैडमी आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाता है, वो भी फ्री में, तो आप इसमें फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगला कॉम्बैट जो आपका होने वाला है, वो होने वाला है 25 जुलाई को, ठीक है। तो 25 जुलाई यानी कि परसों आप सभी तैयार हो जाइए अगले कॉम्बैट के लिए। कॉम्बैट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा, और आप इसको लाइव दे सकेंगे अपने एंड्रॉयड ऐप से। इसमें 1 करोड़ रुपये का स्कॉलरशिप पूल है। कॉम्बैट का जो समय होता है वो हर एक रविवार यानी कि एवरी संडे ये होता है दिन में 12 बजे, ठीक है। बस आपको एनरोल करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है वर्षा, जिससे कि आप फ्री में एनरोल हो जाएंगे। और जब भी प्लान ले तो 1 या 2 साल का ही ले, क्योंकि 1 या 2 साल आपको टाइम देना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन को, और साथ ही साथ आपको ये सस्ता प्लान भी पड़ता है। रेफरल कोड वर्षा फॉर 10% डिस्काउंट। तो आप सभी रेडी हो स्टैटिक जीके के एमसीक्यू के लिए? स्टार्ट करें आप, चलो आप स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे तैयार हैं, स्टैटिक जीके और जीएस का एमसीक्यू होगा। ये क्वेश्चंस मतलब जो एग्जाम में आए हैं सारे वही क्वेश्चन डाले हैं मैंने, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी कर्नाटका में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन डी आपका उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और जल्दी से एक बार ही लाइक शेयर कर देना। भूपेंद्र, CR7, सचिन, शशिकांत, निकी, सभी को हाय। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा वो आपका अभी तक किसी का नहीं आया है, बस डीके मीना का आया है। डीके मीना का आंसर है बी, एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कर्नाटका में और कौन कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वो भी याद रखिएगा। कर्नाटका में और है आपका बांदीपुर, बांदीपुर, उसके अलावा बनरघट्टा, बनरघट्टा, ठीक है। उसके बाद आपका काली टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद है आपका कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, नागरहोल, नागरहोल, ये सारे आपके कहाँ पे हैं? कर्नाटका में। तो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर, बनरघट्टा, काली टाइगर रिजर्व, जो कि पहले अंशी नेशनल पार्क था, उसका नाम चेंज करके काली टाइगर रिजर्व कर दिया गया, कुद्रेमुख एंड नागरहोल, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं आपके? कर्नाटका में हैं। इसके अलावा कर्नाटका से रिलेटेड एक और न्यूज़ याद रखिएगा कि कर्नाटका के जो गवर्नर हैं वो चेंज हो चुके हैं। नए गवर्नर कौन बन गए हैं? थवरचंद गहलोत, थवरचंद गहलोत आपके नए गवर्नर बन गए हैं, राज्यपाल बन गए हैं कहाँ के? कर्नाटका के। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? वज्जूभाई वल्ला को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ये सारे आपका कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? बी कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिंदल मेगा पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? जिंदल मेगा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैम गुप्ता, आशीष, एक्सोमिया हाय, कॉलमी शोमेन हाय, तापस हाय, भूपेंद्र हाय। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, जिंदल मेगा पार्क कहाँ पे है, मेगा पावर प्लांट कहाँ पे है? ये है आपका ए छत्तीसगढ़ में, ठीक है। जिंदल मेगा पावर प्लांट आपका कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के रायगढ़, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में है, ये आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के CM कौन है? भूपेश बघेल, एंड गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। भूपेश बघेल आपके CM हैं, एंड अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके आपकी क्या है? गवर्नर है कहाँ की?
छत्तीसगढ़ की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर इज ए छत्तीसगढ़। एंड यहाँ पे मौर्य, अनिमेश, CR7, पूजा, DK मीना, कॉलमी शोमेन, प्रियांशी, रूपम, शेखर हाय, कामेश, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। दिव्यांशी हेलो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोनार डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कोनार बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी झारखंड में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो यहाँ पे चीपू हाय, जैम आपका, भूपेश बिल्कुल ठीक है, ओके पुष्कर वेलकम टू द क्लास, ऋषिकेश हाय, कामेश का आंसर आ रहा है ए, नरेंद्र हेलो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोनार बांध आपका कहाँ पे है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी झारखंड। कोनार बांध आपका झारखंड में है। कौन सी नदी पे बना हुआ है? कोनार रिवर पे ही बना हुआ है, ठीक है। कौन सी रिवर पे बना है ये? कोनार रिवर पे बना हुआ है, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी ट्रिब्यूटरी है कोनार रिवर? दामोदर रिवर की। दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है कोनार रिवर। तो आपका जो कोनार बांध है वो कोनार रिवर के ऊपर ही बना हुआ है, जो कि दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और ये कौन से जिले में है? हजारीबाग जिले में, झारखंड के हजारीबाग जिले में है कोनार बांध, ठीक है। हजारीबाग जिले में है आपका कोनार बांध। और इसके अलावा आप लोग जानते ही होंगे कि झारखंड के जो गवर्नर है वो चेंज हो चुके हैं, तो जो झारखंड के नए गवर्नर बने वो कौन बने? रमेश बैस। रमेश बैस इज द न्यू गवर्नर ऑफ झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर इज सी झारखंड। तो अनिमेश, रूपम, हरी, मनीष, सत्कारी, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। अरुण आपका भी, डिकुश, मीना, मनीष, सुनील, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर इज सी झारखंड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वर्ल्ड आर्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व कला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अप्रैल को, ऑप्शन बी 15 अप्रैल को, ऑप्शन सी 14 अप्रैल को, या ऑप्शन डी इनमें से किसी भी दिन नहीं। तो एक बार सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ओके वरुण, एक बार ही सारे बच्चे वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे हर्षवर्धन हेलो, जैम गुप्ता का बी है, तीन पत्ती का ए है, पारमिश का 12 है, कॉलमी शोमेन का 15 है। तो कॉलमी शोमेन एंड समय सिंह, आप DK मीना, आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। जो आपका वर्ल्ड आर्ट डे है वो कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके। किसके लिए? क्रिएटिविटी के लिए, लोग क्रिएटिव हो सके, क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है 15 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर फाइव, कुमारकोम बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए केरला में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल में। मानतोष गुड इवनिंग। हाँ, 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की जयंती होती है। तो यहाँ पे SK अनवर, सोनू, समय, कामेश, टुकाराम, अमनदीप, विनय, ज्योतिष हाय। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए केरला। कुमारकोम बर्ड सेंचुरी आपका कहाँ पे है? केरला में है। केरला में और कौन कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक बारी वो भी याद रखिए। एक तो है आपका पेरियार, आप लोगों ने सुना ही होगा, सबसे फेमस पेरियार। फिर उसके बाद है आपका साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, पंपा दम, उसके बाद आपका मतिकेटन, इरेविकुलम, अनामलई, ये भी आपके कहाँ पे है सारे? सॉरी, अनामुदी भी आपका कहाँ पे है? केरला में। तो पेरियार, साइलेंट वैली, पंपादम शोला नेशनल पार्क, मतिकेटन शोला नेशनल पार्क, अनामुदी शोला नेशनल पार्क, जहाँ पे शोला आ जाए, जहाँ पे भी आपको वर्ड शोला दिख जाए तो समझ जाना वो आपका कहाँ पे है? केरला में है। इसके अलावा इरेविकुलम भी कहाँ पे है आपके? केरला में ही है। तो ये सारे के सारे कहाँ पे है आपके? केरला में है। तो याद रखिएगा, कुमारकोम, पेरियार, साइलेंट वैली, पंपादम, मतिकेटन, इरेविकुलम, अनामुदी, ये सारे के सारे आपके कहाँ पे है? केरला में है। केरला में जो दोबारा से मुख्यमंत्री बने वो कौन बने? पिन्नारय विजयन दोबारा से केरला के मुख्यमंत्री बन गए। गवर्नर कौन है वहाँ पे? आरिफ मोहम्मद खान वहाँ पे गवर्नर है, ठीक है।
आपका पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी, पहला ह्यूमन मिल्क बैंक, ये सारे के सारे कहाँ पे? केरला में। ओके राधे राधे। क्वेश्चन नंबर 6, रामानुजन ट्रॉफी एसोसिएटेड विद विच गेम? रामानुजन ट्रॉफी का खेल किस मतलब संबंध किस खेल के साथ है? क्वेश्चन नंबर ए क्रिकेट के साथ, बी किस हॉकी के साथ, सी बैडमिंटन के साथ, या डी टेबल टेनिस के साथ? क्वेश्चन नंबर 6 तुकाराम, आशीष, हाय राधे राधे, समझ गई मैं, एनटीपीसी का क्वेश्चन था ये। सुशील, सोनू, समय, रूपम, सोनू, सभी बच्चों को हाय। तो यहाँ पे चीपू, ए चीपू का आंसर आ रहा है ए, राजन का टेबल टेनिस, एंड राजन आपका आंसर और दीपक आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो रामानुजन ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल के साथ है? उसका संबंध है आपके टेबल टेनिस के साथ। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी टेबल टेनिस। रामानुजन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 7, बाली यात्रा जिसको कि बाली यात्रा भी कहते हैं, ठीक है, यात्रा और यात्रा आप कुछ भी बोल सकते हैं। बाली यात्रा इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन, बाली यात्रा एक त्यौहार है जो कहाँ पे मनाया जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में, या ऑप्शन डी आसाम में। एक बार सारे बच्चे वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कार्तिकेय, दख्तार, मोहम्मद सद्दाम, विजय, विवेक, पारुल, वाइल्ड कैरी, संजू बाबा, शेम क्यू, दीपक, आदित्य, मोहन, आशीष झा, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका बाली यात्रा या फिर बाली यात्रा आप जो बोलना चाहें, ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये उड़ीसा में मनाया जाता है। ये उड़ीसा में कार्तिक पूर्णिमा, कब? कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है कटक में। कहाँ पे? कटक में मनाया जाता है। और ये एशिया का लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन ट्रेड फेयर भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये एशिया का एक सबसे बड़ा क्या है? ओपन ट्रेड फेयर, खुला हुआ मेला, ठीक है। ओपन ट्रेड फेयर, खुला हुआ मेला, जो कि कहाँ पे लगता है आपके? कटक में। कब? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो बाली यात्रा आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर इज बी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 8, पूजल लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पूजल झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर में, ऑप्शन बी नागालैंड में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, या ऑप्शन डी इनमें से कहीं पे भी नहीं। तो यहां पे सभी का आंसर आ रहा है सी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। पूजल लेक जो है वो आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में, जिसको कि रेड हिल्स लेक भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे ऑप्शन में कभी, मतलब क्वेश्चन में कभी रेड हिल्स लेक पूछ ले, पूजल की जगह रेड हिल्स लेक पूछ ले, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। पूजल लेक को ही हम लोग रेड हिल्स लेक कहते हैं, जो कि आपका तमिलनाडु में है। इसके अलावा तमिलनाडु के नए जो CM बन गए वो कौन बन गए? एम के स्टेलिन नए CM बन गए, कहाँ के? तमिलनाडु के, ठीक है। एडापड़ी के पलानी स्वामी को रिप्लेस करके एमके स्टेलिन नए CM है, कहाँ के? तमिलनाडु के। क्वेश्चन नंबर 9, कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? कैनबेरा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड की, ऑप्शन बी वियतनाम की, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया की, या ऑप्शन डी म्यांमार की। क्वेश्चन नंबर 9th, तो क्वेश्चन नंबर 9th, राज, समय, रूपम, अविनाश, दुबराज, सभी का आंसर आ रहा है सी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन था। कैनबेरा कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आपके न्यूजीलैंड की क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की क्या है? वेलिंगटन। वियतनाम की क्या है? हनोई, ठीक है। म्यांमार की क्या है? नाइपितो। और आपसे एग्जाम में म्यांमार की राजधानी पूछी जाती है और म्यांमार की करेंसी भी पूछी जाती है। तो म्यांमार की राजधानी है क्या? नाइपितो। एंड करेंसी क्या है इसकी? क्या इज द करेंसी ऑफ म्यांमार। इसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है म्यांमार से रिलेटेड, वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बर्मा का नाम चेंज होकर के म्यांमार कब रखा गया या फिर कब पड़ा? तो म्यांमार जो नाम पड़ा बर्मा का, वो पड़ा आपका जुलाई 1989 में इसका नाम चेंज हुआ। इसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बर्मा भारत से अलग कब किया गया? बर्मा भारत से अलग कब हुआ? तो बर्मा आपका अलग जो भारत से हुआ वो कब हुआ? 1937 में, ठीक है।
1937 में इंडिपेंडेंस से 10 साल पहले बर्मा अलग हो गया था, और जो इसका नाम चेंज किया गया वो जुलाई 1989 में किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB? क्या है आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए थाईलैंड में, ऑप्शन बी बीजिंग में, ऑप्शन सी भूटान में, ऑप्शन डी इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 10th, तो कामेश, विनीत, वाइल्ड कैरी, अंकुश, टुकाराम, जैम, चिपू, कामेश, राजन, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10th जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बीजिंग। जो आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है वो आपका कहाँ पे है? बीजिंग चाइना में, बीजिंग चाइना में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन है इसके? जिन लिकिन इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट है जिन लेकिन, और ये कहाँ पे है? आपके चाइना में है। 2016 में ये बना था आपका AIIB। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB क्या है आपका? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन ए फिलीपींस में, ऑप्शन बी बीजिंग में, ऑप्शन सी टोक्यो में, ऑप्शन डी शंघाई में। तो यहाँ जो आंसर होगा करेक्ट, अमित, क्लास मेरी के सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे को होती है। रूपम, सुशील, हरी राव, कार्तिकेय, DK मीना, हाँ आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। जो करेक्ट आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक वो कब कहाँ पे है? फिलीपींस में। ठीक है, आपसे कभी कभी ऑप्शन में दिया जाता है कंट्री का नाम फिलीपींस, कभी कभी आपको ऑप्शन में दिया जाता है मनीला, तो मनीला करोगे आप, और कभी कभी आपको एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाती है तो वो क्या है? मैंडालयोंग। कहाँ पे आपका ये? मैंडालयोंग में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ये बना कब था? ये बना था आपका 1966 में आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक बना था। इसके जो अभी प्रेसिडेंट है वो कौन है? मसात सुगु आसाकावा इसके अभी क्या है? प्रेसिडेंट, हेड प्रेसिडेंट, आप जो भी बोलना चाहो। और इसके अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अशोक लवासा इसके क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है। किसके? एशियन डेवलपमेंट बैंक के। तो क्वेश्चन नंबर 11th करेक्ट आंसर इज ए फिलीपींस। अगर आपको मनीला दे दिया जाए तो मनीला, और मैंडालयोंग दे दिया जाए तो मैंडालयोंग। बना कब था? 19 दिसंबर 1966 में। प्रेसिडेंट मसात सुगु आसाकावा एंड वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12th, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन ए टोक्यो में, ऑप्शन बी फिलीपींस में, ऑप्शन सी थाईलैंड में, या ऑप्शन डी जिनेवा में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन DC में है विनाश। तो यहाँ पे विजय, मंजीत, हरिराव, कार्तिक, आशीष झा, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 में आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था। और इसकी अभी प्रेसिडेंट, अभी मार्च में ही प्रेसिडेंट बनी है इसकी, इसकी अभी प्रेसिडेंट कौन बनी है? वो बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नागोजी ओखोंजो आइवेलिया। ठीक है, ये क्या बनी है? इसकी प्रेसिडेंट बनी है, और नागोजी ओखोंजो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला, फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, पहली महिला और पहली अफ्रीकन
क्या बनी है, प्रेसिडेंट बनी है नागोजी ओकोंजो किसकी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो ये आपके नाइजेरिया से बिलोंग करती है। कहाँ से? नाइजेरिया से बिलोंग करती है। नाइजेरिया की कैपिटल क्या होती है? अबुजा। अबुजा इज द कैपिटल ऑफ नाइजेरिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर इज डी, जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। आप सोचोगे मैम ने इतना इजी क्यों दिया, अभी बताती हूँ कि मैंने इतना इजी क्यों दिया है। तो आपका नेपाल की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी थिम्फू या ऑप्शन डी नन। तो एक बार सारे बच्चे वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसका आंसर है ए काठमांडू। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ए काठमांडू। नेपाल ही मैंने आपसे क्यों पूछा अभी बता रही हूँ। सबसे पहले देख लीजिए ढाका किसकी है, बांग्लादेश की, बांग्लादेश की। और थिम्फू किसकी है, भूटान की। ठीक है, जो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि नेपाल की राजधानी क्या है, वो इसलिए क्योंकि नेपाल के अभी पीएम चेंज हुए हैं और पीएम कौन बन गए, शेर बहादुर देबुआ। शेर बहादुर देबुआ केपी शर्मा ओली को रिप्लेस करके नए प्रधानमंत्री बन गए। कहाँ के? नेपाल के। नेपाल के नए पीएम कौन है? शेर बहादुर देबुआ। वहाँ की आपकी प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी। ठीक है, इसके अलावा आपने 18 जुलाई की अगर करंट अफेयर पढ़ी होगी तो आपको आपने सुना होगा कि 18 जुलाई को एक रेलवे लाइन का ट्रायल हुआ। ठीक है, वो रेलवे लाइन आपके बिहार को नेपाल से जोड़ रही है, जिसकी टोटल लेंथ 34.35 किलोमीटर की है और जिसको बनाने में टोटल लागत कितनी लगी, 619 करोड़। तो वो कहाँ से कहाँ को जोड़ रही है? तो वो बिहार के मधुबनी जिले के, बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर को खुर्ता से जोड़ रही है। ठीक है, कहाँ से? खुर्ता से जोड़ रही है, जो कि आपके नेपाल में है। और ये खुर्ता आपके किस जिले में पड़ता है? नेपाल के महातौड़ी जिले में। ठीक है, ये खुर्ता आपका कहाँ पड़ता है? नेपाल के महातौड़ी जिले में। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? काठमांडू। बस काठमांडू मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे आपको ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी थी। ठीक है, हाँ मैं अन अकेडमी पर डेली क्लास लेती हूँ, 4:55 पे फ्री क्लास, जो कि आप स्पेशल क्लास कहते हो। आप मेरा नाम सर्च करो जा करके, वर्षा सिंह, आपको प्रोफाइल मिल जाएगी। और जो पेड क्लास चल रही है मेरी, वो चल रही है पॉलिटी की, जो कि 20 तारीख से ही शुरू हुई है। तो वो आपकी होती है शाम को 7 PM पे। तो आप जब भी आप में से कोई बच्चा पेड का कोर्स लेता है तो आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज़ करिएगा वर्षा, जिससे कि आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। और 28 जुलाई को सब्सक्रिप्शन के प्राइस हाइक हो जाएंगे, तो उससे पहले आप सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन ले लें। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये मत समझो कि मैं इतना इजी क्वेश्चन क्यों दे रही हूँ। इजी क्वेश्चन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन से मैं 3-4 क्वेश्चन और बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे संदीप समय, लुपेश, अरविंद, दिलीप, जैम गुप्ता, कार्तिकेय, रॉक विक्रम, आप सभी का आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर, पता नहीं आंसर ठीक है या फिर आपका बस मैंने नाम पढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? आपके थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद आपके भारत के पहले प्रेसिडेंट बने थे। अब इसमें ये इजी क्वेश्चन क्यों दिया था वो बता देती हूँ। ये इजी क्वेश्चन इसलिए दिया था क्योंकि इसके साथ साथ मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है। वो चीज़ें ये है कि पहले प्रेसिडेंट आपके राजेंद्र प्रसाद, पहली महिला प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल। ठीक है, राधा कृष्णन क्यों मैंने डाला? एस राधा कृष्णन इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने थे भारत के, पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे भारत के और दूसरे प्रेसिडेंट बने थे, सेकंड प्रेसिडेंट बने थे आफ्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट आफ्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार पटेल, सरदार पटेल जिनको कि आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सरदार पटेल से रिलेटेड एक न्यूज़ याद रखना, मतलब बात याद रखना, वो ये है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, संविधान सभा बनाई गई थी, उसमें 23 कमेटियाँ बनाई गई थी। ठीक है, जिसमें से 8 तो आपकी मेजर कमेटी थी, इम्पॉर्टेंट कमेटी थी, और 15 आपके माइनर कमेटी थी। 15 कैसी कमेटी थी? माइनर कमेटी थी। तो जो वो 8 कमेटी बनाई गई थी ना, उसमें कमेटी थी एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी
ऑन फंडामेंटल राइट, ऑन फंडामेंटल राइट उसके हेड कौन बने थे? सरदार पटेल, ठीक है। इसके अलावा 1931 में भी फंडामेंटल राइट को बनाने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? सरदार पटेल को नियुक्त किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14, पहले प्रेसिडेंट भारत के कौन? राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज पेरियार रिवर सिचुएटेड? पेरियार नदी कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी गोवा। पेरियार रिवर कहाँ पे है? तो रोहित गुप्ता, आशीष, रॉक विक्रम, मुझे नहीं समझ में आता है कि तुम इतने खाली निठल्ले टाइप के इंसान कैसे हो कि तुम गलत पढ़ने के लिए भी एक घंटे क्लास में बैठे रहते हो। अरे भाई, इतना गलत लग रहा है तो चले जाओ ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर प्रदीप, राकेश, अफरोज, विजय राय, इन सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इसका पेरियार रिवर आपका कहाँ पे है? केरला में है। और पेरियार रिवर के ऊपर एक डैम है जो आपसे पूछा जाता है, वो कौन सा डैम है? इदुक्की डैम। इदुक्की डैम इज ऑन पेरियार रिवर, ठीक है। इदुक्की डैम आपका केरला में है जो कि पेरियार रिवर पे बना हुआ है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 आंसर इज बी केरला। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार स्टेट इन विच ईयर? झारखंड बिहार राज्य से किस वर्ष में अलग हुआ था? ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 2007 में, ऑप्शन डी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दो, एक मिनट रुको, जरा इसको जरा ब्लॉक करवाऊं, इरिटेटिंग इंसान है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 2000, और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 2000 में, ठीक है। 2000 में आपके तीन नए राज्य का फॉर्मेशन हुआ था। पहला था आपका झारखंड, दूसरा था आपका छत्तीसगढ़, और तीसरा था आपका उत्तरांचल, उस टाइम का उत्तरांचल जो कि बाद में उत्तराखंड हुआ। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तरांचल, ये तीनों ही अलग हुए थे। झारखंड आपका बिहार से, छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश से, एंड उत्तराखंड आपका, उत्तरांचल आपका यूपी से। अब आपसे ये पूछा जाता है कि इनके फॉर्मेशन डे कौन कौन से हैं। तो ईयर तो सबका सेम है 2000, फॉर्मेशन डे भी याद रखिएगा। उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000 में। छत्तीसगढ़ आपका कब बना था? ये आपका बना था 1 नवंबर 2000 में। और झारखंड आपका कब बना था? ये बना था 15 नवंबर 2000 में, ठीक है, 15 नवंबर 2000 में। तो तीन राज्य बने थे 2000 में, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तरांचल। इसके अलावा उत्तरांचल का जो नाम था, उत्तरांचल का जो नाम था उसको चेंज कब किया गया? तो इसका नाम उत्तराखंड कब रखा गया? इसका नाम उत्तराखंड 9 नवंबर 2007 में रखा गया। कब? 9 नवंबर 2007 में इसका नाम उत्तराखंड चेंज करके रखा गया। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज नंदा देवी टेम्पल सिचुएटेड? नंदा देवी मंदिर कहाँ पे है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो सरफराज, CR7, चंदन, ब्लूटूथ, कार्तिकेय, राधे, सब धुआं धुआं। हाँ, तुमने ज़्यादा ही धुआं धुआं कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 जो करेक्ट आंसर है, नंदा देवी टेम्पल, वो कहाँ पे है? आपके उत्तराखंड में, ठीक है। नंदा देवी ग्लेशियर भी आपने सुना होगा, फरवरी के टाइम में न्यूज़ में था कि नंदा देवी ग्लेशियर के फटने से चमोली जिले में बाढ़ आई थी फरवरी में 8 तारीख को। तो आपका उत्तराखंड में क्या है? नंदा देवी टेम्पल। उत्तराखंड के जो अभी 11th चीफ मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ कहाँ के? उत्तराखंड के। तो नंदा देवी टेम्पल उत्तराखंड में है। तो क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 18, पुष्कर अ फेमस प्लेस फॉर लॉर्ड ब्रह्मा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? पुष्कर जो लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी केरला में, ऑप्शन डी कर्नाटका में।
और एक बार सारे बच्चे, इतने सारे बच्चे हो, तुम लोग जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 18 है, पुष्कर, आप नाम से समझ जाएंगे, पुष्कर आपने लेक भी सुना होगा। तो पुष्कर जो आपका है जगह, वो कहाँ पे है? राजस्थान में। तो पूरे भारत में आप लोगों को मालूम होगा कि भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया गया था कि उनकी पूजा नहीं की जाएगी। तो पूरे भारत में एकमात्र ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा का रिवर, मतलब मंदिर है, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान पुष्कर में है। ठीक है, भगवान ब्रह्मा का मंदिर आपको कहीं नहीं दिखता, एक ही मंदिर है पूरे भारत में, जो कि पुष्कर राजस्थान में है, क्योंकि उनकी पूजा नहीं की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर इज बी, राजस्थान। यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत आपके राजस्थान के सीएम हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है? ऑप्शन ए हमिंग बर्ड, ऑप्शन बी क्रेन, ऑप्शन सी क्रो या ऑप्शन डी स्पैरो। एस के अनवर, लक्ष्मण, लक्ष्मी, डी के मीना, जैम गुप्ता, रूपम, धनुर्जय, सरिता, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, सुहेर आपका भी, मुकेश आपका भी। तो क्वेश्चन नंबर 19, जो आपका सबसे छोटा बर्ड है पूरे विश्व में, वो कौन सा है? हमिंग बर्ड, जो कि बहुत ही क्यूट सा होता है, और इसका वेट केवल और केवल 2 ग्राम का होता है, और जिसकी मैक्सिमम लेंथ जाती है वो आपकी 5 सेंटीमीटर जाती है, 2 से 5 सेंटीमीटर हमिंग बर्ड की क्या होती है? लेंथ होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 20, घुमुरा डांस इज फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? घुमुरा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ हमिंग बर्ड सबसे छोटा है आपका, तो नरेंद्र, जैम गुप्ता, कामेश, मुकेश, कार्तिकेय, रविशंकर, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। जो आपका घुमुरा डांस है, ये कहाँ का फेमस डांस है? ये उड़ीसा का फेमस डांस है, जो कि उड़ीसा के कालाहांडी, कहाँ पे होता है? उड़ीसा के कालाहांडी में परफॉर्म किया जाता है घुमुरा डांस। तो क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर इज ए, उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम कौन है अभी, कोई बताएगा मुझे? उड़ीसा के सीएम कौन है अभी? और उड़ीसा आपके न्यूज़ में है, क्योंकि 2023 में वहाँ पे कुछ होने वाला है, उड़ीसा में 2023 में कुछ होने वाला है, कोई बताएगा क्या? तो निशांत, निशीत, जैम गुप्ता, बसंत, आदेश, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, उड़ीसा। तो उड़ीसा में 2023 में क्या होने वाला है? किसी का आंसर आया क्या? अभी तक नहीं आया। अरे बता भी दो क्या होगा। बिल्कुल, नवीन पटनायक, नवीन पटनायक आपके सीएम हैं, नवीन पटनायक आपके सीएम हैं उड़ीसा के, और उड़ीसा में 2023 में क्या होने वाला है? मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, जो कि कहाँ पे होगा? उड़ीसा के राउरकेला में। कहाँ पे? उड़ीसा के राउरकेला में होगा आपका मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा के राउरकेला में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2023 का। क्वेश्चन नंबर 21, भोपाल गैस ट्रेजेडी टुक प्लेस इन विच ईयर? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1984 में, ऑप्शन सी 1988 में, ऑप्शन डी 1990 में। तो वाइल्ड कैरी, अमित, अनिमेश, न्यू स्टेटस, एक्टिंग लर्न, विकास, सुमन, अमित, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, चीपू, मोहम्मद, रेहान, सबका। क्वेश्चन नंबर 21, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ट्रेजेडी हुई थी, वो आपकी हुई थी 1984 में। ठीक है, 1984 में सेकेंड एंड थर्ड दिसंबर की रात को, सेकेंड एंड थर्ड दिसंबर की रात को ये आपकी ट्रेजेडी हुई थी। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन एक, कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें किस, कौन सी गैस लीक हुई थी? ठीक है, उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? तो उसका गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट उस गैस का नाम है, जिसका कि फॉर्मूला होता है C2H3NO, C2H3NO उसका फॉर्मूला होता है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट वो गैस थी जो गैस लीक हुई थी आपके, कब? भोपाल में 1984 में। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी केम टू इंडिया इन विच ईयर? गांधी जी किस वर्ष में भारत आए थे? ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1916 में या ऑप्शन डी इनमें से किसी भी वर्ष में नहीं। कुछ यहाँ क्लास में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर
कुछ बदतमीज, कुछ अश्लील और कुछ नालायक बेवकूफ़ टाइप के इंसान दिखेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप उनको इग्नोर करिएगा, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1915। ठीक है, गांधी जी भारत कब आए थे? गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। कहाँ से आए थे ये? साउथ अफ्रीका से आए थे। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। गए कब थे ये साउथ अफ्रीका? 1893 में। कब गए थे? 1893 में। इसलिए वो 9 तारीख को, 9 जनवरी को वहाँ से आए थे। इसलिए हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद चाइल्डहुड, मतलब स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए वीरेंद्र था, ऑप्शन बी नरेंद्र था, ऑप्शन सी नरेंद्र नाथ दत्त था, या ऑप्शन डी इनमें से कुछ भी नहीं था। तो राकेश, प्रवीण, नागेंद्र, शैलेश, मोहम्मद सद्दाम, अफरोज, राजत, आशीष, पप्पू, राणा, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23, जो स्वामी विवेकानंद का नाम था वो क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। क्या था इनका? नरेंद्र नाथ दत्त। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी पार्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, या ऑप्शन डी 17। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का कि भारतीय संविधान में कितने भाग है। तो जो भारतीय संविधान में टोटल भाग है वो कितने हैं आपके? 25, ठीक है। कितने भाग है? 25। जब आपका संविधान बना था ना, तब इसमें टोटल 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और आपके 8 शेड्यूल थे, ठीक है। 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थे। लेकिन बाद में ये जो आपके आर्टिकल है ये बढ़ करके कितने हो गए? 448। पार्ट्स बढ़ करके कितने हो गए आपके? 25। और शेड्यूल बढ़ करके कितने हो गए आपके? 12, ठीक है। कितने हो गए आपके? 12। जो पार्ट्स आपके बाद में ऐड किए गए वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो पार्ट सेवन को डिलीट किया गया। पार्ट सेवन को आपके डिलीट किया गया, सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट मतलब सातवें संशोधन में आपके 1956 में, 1956 में सेवेंथ अमेंडमेंट मतलब सेवेंथ पार्ट को डिलीट किया गया, जो कि किससे रिलेटेड था? स्टेट, राज्य के पार्ट बी से रिलेटेड था, ठीक है। उसके अलावा आपका जो पार्ट ऐड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन कौन से? मैं अभी 4A ऐसे करके लिख दे रही हूँ। एक तो आपका ऐड किया गया 4A और 14A, ठीक है। उसके बाद आपका ऐड हुआ 9A, उसके बाद आपका ऐड हुआ 9B। तो जो आपका 4A एंड 14A ये जो ऐड हुआ, ये हुआ आपका कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। 4A एंड 14A ये दोनों कब ऐड हुए? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 19। कल जो क्लास होगी निशीत, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ये टेलीग्राम का चैनल है GA/GS बाय वर्षा सिंह, आपके वैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पे जुड़ जाओ, मैं आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। तो आपका जो 4A एंड 14A है ये ऐड हुआ आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कि आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हो। कब? 1976। ईयर कौन सा था? 1976। आपका जो 9A है ये जो आपका ऐड किया गया आगे, ये आपका ऐड हुआ है 1992 में, और 9B आपका ऐड हुआ है 2011 में। 9A आपका ऐड हुआ है 1992 में और 9B आपका ऐड हुआ है 2011 में, ठीक है। 97th अमेंडमेंट एक्ट में ये ऐड हुआ और ये आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट में ये ऐड हुआ, ठीक है। तो आपका 7th अमेंडमेंट एक्ट में 1956 में 7 को डिलीट किया गया, पार्ट 7 को। पार्ट 4A एंड 14A को ऐड कब किया गया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर नहीं दिख रहा ना, दोबारा लिख दूं क्या? क्लियर नहीं दिख रहा तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 सुन लो। 9A जो पार्ट था आपका वो ऐड हुआ 1992 में 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और आपका 9B ऐड हुआ कब? 2011 में 97th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अभी तक आपके संविधान में टोटल कितने संशोधन हो चुके? अभी तक आपके संविधान में टोटल 104
संशोधन हो चुके हैं। जो आपका आखिरी संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? जनवरी 2020 में आपका आखिरी संशोधन हुआ था, ठीक है। हाउ मेनी शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन बी सी 12 या ऑप्शन डी 15। इसका आंसर मैंने अभी अभी आपको बता दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आपके भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है, कितने शेड्यूल है, तो वो उसका आंसर होगा 12, ठीक है। पहले कितने थे? 8 थे, लेकिन बाद में कितने हो गए? 12 हो गए। तो आपके भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज कॉल्ड मॉडर्न मनु, आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए के एम मुंशी को, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर को, ऑप्शन सी सरदार पटेल को, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू को। तो यहाँ पे हरिराव, रेशुल, हर्षवर्धन, मोटिवेशनल, प्रदीप, रघुवीर, राजन, आशीष, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। जो आपके मॉडर्न मनु कहे जाते हैं वो किनको कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को। बी आर अम्बेडकर को मॉडर्न मनु क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनु एक पर्सन थे, आप मैथोलॉजी में जाके पढ़ेंगे तो इन्होंने संस्कृत लॉ बनाए थे, मतलब इन्होंने लॉ बनाया था, ठीक है। तो इसीलिए बी आर अम्बेडकर को मॉडर्न मनु क्यों कहा गया, आधुनिक मनु क्यों कहा गया? क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने भी उसी तरीके से आपका हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट किया है, ठीक है। इन्होंने भी लॉ बनाया, हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट किया है, इसलिए इनको मॉडर्न मनु कहा गया। इसके अलावा इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इनको और क्या कहा जाता है, कोई बताएगा? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा के एम मुंशी नहीं होगा ज्योति, आपका आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को मॉडर्न मनु कहा जाता है, इन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया था और ये आपके फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे। और इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी, जो आपका ड्राफ्टिंग कमेटी था, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, जिसको कि आप हिंदी में प्रारूप समिति कहते हैं, उसके भी प्रेसिडेंट कौन बने थे? आपके बी आर अम्बेडकर बने थे। और आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, प्रारूप समिति, इसको सेटअप किया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, कब? संविधान सभा ने इसको स्टैब्लिश कब किया था? 29 अगस्त। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, 29 अगस्त 1947 को। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बात बताई, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को। लेकिन वर्ड में अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए और वो चेंज ये पूछ ले आपसे कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, संविधान सभा का फादर किसको कहा जाता है? तो संविधान सभा के फादर कहे जाते हैं एम एन रॉय, ठीक है। क्योंकि 1934 में एम एन रॉय ने ही कहा था कि भारत का क्या होना चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए भारत में। तो अगर आपसे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूछ ले तो एम एन रॉय, अगर आपसे केवल फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछे तो वो आपके बी आर अम्बेडकर, ठीक। एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 रिवॉल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी, 1857 की क्रांति किस शहर से शुरू हुई थी, बताइए। ऑप्शन ए लखनऊ से, ऑप्शन बी मेरठ से, ऑप्शन सी आजमगढ़ से, या ऑप्शन डी वाराणसी से। तो यहाँ पे तुकाराम, मोहम्मद सद्दाम, सनी, शक्ति, निरंजन, तापस, दिलराज, आर्यन, थैंक यू, शेखर, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो 29th क्वेश्चन का जो आंसर है, 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी वो आपके मेरठ यूपी से शुरू हुई थी, ठीक है। यहाँ पे तो आपसे खैर सिटी पूछा गया तो आपने मेरठ बोला, हो सकता है आपसे कभी एग्जाम में राज्य पूछ ले तो वहाँ पे आपको यूपी याद रखना है कि 1857 की क्रांति आपके मेरठ यूपी से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडिया, किसको फादर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन बी सरदार पटेल को, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर को, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी को। तो एक बार सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 30, फादर ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी,
और इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। मॉडर्न इंडिया के मेकर महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 31, विच कंट्री हैज 3 कैपिटल, इनमें से किस कंट्री की 3 राजधानियां हैं। ऑप्शन ए चाइना की, ऑप्शन बी फिनलैंड की, ऑप्शन सी यूके की, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका की। तो क्वेश्चन नंबर 31 नमस्ते ओपो, तो क्वेश्चन नंबर 31 जो करेक्ट आंसर है वो है आपके साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका में आपकी 3 राजधानियां हैं, एक है आपकी प्रिटोरिया, दूसरी है आपकी केप टाउन, तीसरी है आपकी ब्लोइंगफोंटेन, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाएगा, देखो राजधानी तो याद रहे हो जाता है हम लोगों को, हम भूल क्या जाते हैं, हम भूल ये जाते हैं कि कौन सी एग्जीक्यूटिव है, कौन सी लेजिस्लेटिव है और कौन सी जुडिशियल है। तो इसलिए जो प्रिटोरिया है आपकी वो किस तरीके की कैपिटल है, एग्जीक्यूटिव। प्रिटोरिया कैसी कैपिटल है, एग्जीक्यूटिव। केप टाउन कैसी कैपिटल है, लेजिस्लेटिव। एंड ब्लोइंगफोंटेन कैसी कैपिटल है आपकी, जुडिशियल कैपिटल, ठीक है। प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव, केप टाउन लेजिस्लेटिव एंड ब्लोइंगफोंटेन आपकी जुडिशियल कैपिटल है, कहाँ की, साउथ अफ्रीका की। क्वेश्चन नंबर 32, विच स्टेट इज फेमस फॉर स्पाइसेस, कौन सा राज्य मसालों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी सिक्किम। तो यहाँ जो दीपिका, राजीव, ब्लूटूथ, रामरतन, एसके, राजेश, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। करेक्ट आंसर इज डी, मतलब बी सॉरी, केरला, ठीक है। किसको, कौन सा आपका राज्य फेमस है मसालों के लिए, तो वो आपका केरला फेमस है। इसको स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, भारत में मसालों का बाग, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है आपका, केरला जाना जाता है। 33, विच स्टेट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, किस राज्य को भारत का जैविक राज्य माना जाता है, यानी कि वहाँ पे पूरी जो खेती की जाती है, फार्मिंग की जाती है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। तो ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी यूपी, ऑप्शन डी आपके केरला। तो देवाल, हरबंस, कुशल, नंदन, संदीप, सनी, शशि, नरेंद्र, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑर्गेनिक स्टेट आपका कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम आपका ऑर्गेनिक स्टेट है, यहाँ पे पूरी की पूरी फार्मिंग कैसी होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, यानी कि जैविक फार्मिंग होती है। इसके अलावा एक एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था, तो ये आपका 22nd स्टेट बना था भारत का, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उसके आपके सीएम एंड गवर्नर आपको याद नहीं रहते, तो याद रखना सिक्किम के कौन है अभी सीएम, प्रेम सिंह तमांग, एंड गवर्नर गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद गवर्नर है कहाँ के, सिक्किम के। तो क्वेश्चन नंबर 33 ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए पहला स्टेट जिसको कंसीडर किया गया वो है आपका सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, यहाँ पे बल की इकाई क्या है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी लक्स, ऑप्शन सी कैंडेला या ऑप्शन डी ओम। ब्लूटूथ पढ़ाई आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अनअकैडमी पे आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो वर्षा कोड को यूज करके, क्योंकि 28 जुलाई से आपके सब्सक्रिप्शन के प्राइस हाइक हो जाएंगे, ठीक है, 28 जुलाई से। तो प्रदीप, अंशु, अभिषेक, ओझा, शैलेंद्र, सुधांशु, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। जो फोर्स की यूनिट, मतलब फोर्स किस, फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। लक्स किसकी यूनिट होती है, इल्यूमिनेशन की, यानी कि रोशनी की। कैंडेला किसकी होती है, इल्यूमिनियस इंटेंसिटी की। और आपकी ओम किसकी यूनिट होती है, ये आपकी होती है रेसिस्टेंस की, ठीक है, किसकी, रेसिस्टेंस की ओम होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट आंसर इज ए न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 36, विच स्टेट यूटी इज फेमस इन इंडिया फॉर वोल्केनिक इरप्शन,
ज्वालामुखी विस्फोट के लिए भारत में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कावरत्ती, ऑप्शन बी आंदामान निकोबार, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी मेघालय। तो यहाँ पे हैप्पी, स्वप्ना, प्रिंस, सम्राट, शशि, शक्ति, मुकेश, नेमी, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी आंदामान निकोबार। आंदामान और निकोबार जो कि आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये फेमस है किसके लिए? वोल्केनो के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, बैरेन आइलैंड वोल्केनो, वोल्केनो जो कि आपका एक एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, जो कि आपका एक एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। बैरेन आइलैंड वोल्केनो आपके कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर में, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है। तो वोल्केनो का भी नाम याद रखिएगा। और ये किस तरीके का वोल्केनो है, किस तरीके का ज्वालामुखी है? एक्टिव वोल्केनो है जो कि कभी भी आपका इरप्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, यूनिट करंट की यूनिट क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी हर्ट्स, ऑप्शन सी ओम या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 37, और एक बार सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो यहाँ पे हाँ, ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया इज बैरेन आइलैंड। तो यहाँ पे आर्यन, अनिमेश, जेम, शक्ति, अंकित, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। करंट की जो यूनिट होती है ना वो होती है आपकी एम्पियर, ठीक है। हर्ट्स किसकी यूनिट होती है? फ्रिक्वेंसी की। हर्ट्स किसकी? फ्रिक्वेंसी की। और ओम किसकी यूनिट होती है आपकी? रेसिस्टेंस की। किसकी? रेसिस्टेंस की। 38, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, एसिड रेन के लिए इसमें से क्या रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी बोथ या ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 38, तो जो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा वो क्या होगा? बोथ, बोथ होगा। एसिड रेन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि जब एयर के साथ इसका मतलब रिएक्शन होता है ना, जब मिल करके ये एयर के साथ रिएक्ट करता है तो जा करके आपका एसिड रेन होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 38 का? सी बोथ। तो जेम गुप्ता, अजय, सोनू, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, बोथ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऐसा भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यहाँ पे एक चीज़ जोड़ लीजिएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पे पहला राज्य जो बनने वाला है वो है आंध्र प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश स्टेट बन गया था भाषा के आधार पे। कौन सी भाषा के आधार पे? तेलुगु, तेलुगु स्पीकिंग पीपल को मद्रास से अलग करके एक स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, जो कि आपका क्या बना? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है? तेलुगु है। तो तेलुगु भाषा बोलने वाले सभी लोगों को अलग करके एक स्टेट बनाया गया 1 अक्टूबर 1953 को, जो कि आपके मद्रास से अलग किया गया। तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40, विच गैस इज ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस मतलब जिससे आपका ओजोन लेयर, जिससे आपका पॉल्यूशन होता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी नन। स्वप्ना, जो मेरी डेली क्लास होती है, आज लेट होगी थोड़ी 11:30 पे, अदरवाइज जो मेरी डेली क्लास होती है ना वो 10:45 PM पे होती है, अनअकैडमी पे ही होती है। लेकिन अनअकैडमी का एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है लेट्स क्रैक एसएससी एग्ज़ाम, लेट्स क्रैक एसएससी एग्ज़ाम। तो आप सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डेली रात को 10:45 आ जाना। बस आज रात में कब आना है आपको? 11:30 बजे, आज थोड़ी लेट क्लास होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सा है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। अब और कितने क्वेश्चन हैं? मुझे लगता है 8 क्वेश्चन और हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए BHU, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी अलीगढ़ या ऑप्शन डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, रविंदर, आदर्श, मुकुल, सुहेर, एस के अनवर, राजकुमार, प्रदीप, पवित्रा, और लड़कियाँ नहीं है क्या, गीता, शिवानी,
आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। 42 जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, नालंदा यूनिवर्सिटी। जो भारत का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वो है आपका नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि आपके बिहार में पड़ता है, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है? बुद्धिज़्म, मतलब बुद्धिस्ट का लर्निंग पॉइंट था नालंदा यूनिवर्सिटी, बिहार में पड़ता है। इसको बनवाया किसने था? इसको बनवाया था कुमार गुप्ता ने, ठीक है। इसको बनवाया किसने था? कुमार गुप्ता ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कितने लेख हैं? ऑप्शन ए 448, ऑप्शन बी 355, ऑप्शन सी 395, ऑप्शन डी 300। क्वेश्चन नंबर 43, और जल्दी से आप लोग लाइक कर दो, अभी तक तो 1000 लाइक हो जाने चाहिए थे। तो आपके भारतीय संविधान में जो आर्टिकल है वो टोटल है 448। जब आपका भारतीय संविधान बना था तब आपके 395 आर्टिकल थे, लेकिन बाद में आर्टिकल्स को डिलीट किया गया, ऐड किया गया, तो अभी जो टोटल आपके हो गए वो कितने हो गए? 448 आर्टिकल, 25 पार्ट, 12 शेड्यूल, और अमेंडमेंट संशोधन कितनी बारी? 104। 44, सुंदरवन डेल्टा इज लोकेटेड इन विच स्टेट, सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो डेविल, डीके, नेमी, शुभोदी, पुष्पा, राहुल, विकास, अमरदीप, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। सुंदरवन डेल्टा आपके कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, विच आर्टिकल डील्स विद एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, या ऑप्शन डी 20। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस में है, कौन से आर्टिकल में है आपके? 45, तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 45 है, आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये किस में है? आर्टिकल 17 में, ठीक है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपका किस में है? आर्टिकल 17 में है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन से पार्ट में है तो किस क्या आएगा? अगर आपसे पार्ट पूछ ले कि कौन से पार्ट में है तो क्या आएगा बताओ? पार्ट कौन सा है? आर्टिकल 17 किस पार्ट के अंदर आता है? अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया। पार्ट, विच पार्ट? बहुत ईजी है ये तो। अरे कोई तो आंसर दो, किस पार्ट में आता है आर्टिकल 17 आपके? संदीप का केवल आंसर आया और कुशल का आंसर आया। जो ये आपका आता है वो किस पार्ट में आता है? पार्ट 3 में आता है, ठीक है। पार्ट 3 में आता है आपका फंडामेंटल राइट। कहाँ से कहाँ तक है पार्ट 3 आपका? फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट 3। पार्ट 5 कहाँ से हो जाएगा? पार्ट 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 46, विच आर्टिकल डील्स विद एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, शीर्षकों के अनुमूलन से संबंधित कौन सा लेख है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 17, या ऑप्शन डी 18। अरे इतना इजी क्वेश्चन था पार्ट 3, इसको भी इतना लेट से आंसर दिए तुम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 46, पार्ट ए आपका क्या है? तो जिसका 46 का करेक्ट आंसर है एबोलिशन ऑफ टाइटल, वो क्या है आपका? आर्टिकल 18, ठीक है। आर्टिकल 18 आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल है, जो कि आपके पार्ट 3 में आता है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है। पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट है, कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आपका फंडामेंटल राइट है। उसके बाद आपका आता है पार्ट 4 DPSP, फिर पार्ट 4 ए आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बस एक ही आर्टिकल है, वो है 51A, जो कि आपके पार्ट 4A में आता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ में भी कंफ्यूज रहते हैं, तो 4A में आपका 51A जो आर्टिकल है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। पार्ट 4 आपका DPSP है, ठीक है। 47, एमनेस्टी इंटरनेशनल डील्स विद, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ह्यूमन राइट्स से, ऑप्शन बी वर्ल्ड पीस से, ऑप्शन सी डिफेंस से, ऑप्शन डी इनमें से किसी से भी नहीं। तो
तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये आपका किससे रिलेटेड है, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, और ये आपका बना कब था, जुलाई 1961 में आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल बना था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, आपके लंदन में, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, एमनेस्टी इंटरनेशनल का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसलिए याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर आपके लंदन में है एमनेस्टी इंटरनेशनल का, वरना आपको हो सकता है जिनेवा मिल जाए, तो आप सबका जिनेवा ही याद करके रखते हो, तो जिनेवा पे ही टिक करके आ जाओ, तो जिनेवा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, लंदन। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज ओरियन, ओरियन क्या है, एक स्टार है, कॉन्स्टेलेशन है, प्लैनेट है, या फिर सैटेलाइट है। ओरियन क्या है, तो ओरियन जो है वो आपका क्या है, एक कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है, ओरियन क्या है, कॉन्स्टेलेशन है। क्वेश्चन नंबर 49, विच इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसमें से कौन सी संवैधानिक निकाय नहीं है, यूपीएससी, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, या कोई सा भी नहीं। 49th कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसमें से कौन सी नहीं है, तो इसमें से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है वो है आपकी प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49th, प्लानिंग कमीशन आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, फाइनेंस कमीशन आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जो अभी 15th फाइनेंस कमीशन है आपके, वो याद रखिएगा एनके सिंह, नंद किशोर सिंह, 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, कौन है, नंद किशोर सिंह। यूपीएससी, यूपीएससी का फॉर्मेशन कब हुआ था, यूपीएससी का फॉर्मेशन 1 अक्टूबर 1926 में हुआ था, ठीक है। यूपीएससी के पहले चेयरमैन कौन बने थे, तो यूपीएससी के पहले चेयरमैन बने थे सर रॉज बाकर, ठीक है, ये आपके पहले चेयरमैन बने थे यूपीएससी के। यूपीएससी के अभी करंट चेयरमैन कौन है, पीके सिन्हा, ठीक है, प्रदीप कुमार, प्रदीप कुमार अभी यूपीएससी के करंट चेयरमैन है। डेविल क्या समझ में नहीं आया, हाँ 14th आपके जो फाइनेंस कमीशन थे वो वाईवी रेड्डी थे। वीके डेली क्लास होती है 10:45 रात को 11:45 दूसरे चैनल पे होती है, चैनल का नाम है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम चैनल, लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम चैनल, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। प्रदीप कुमार जोशी, ठीक है, आपके यूपीएससी के जो चेयरमैन है वो कौन है, प्रदीप कुमार जोशी, जो अभी है, पहले कौन थे सर रॉज बारकर थे, और आपके जो यूपीएससी का फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1926 को। क्वेश्चन नंबर 50, मीनामाता डिजीज वॉज कॉज्ड बाय विच केमिकल, मीनामाता रोग किस रसायन के कारण होता है, ऑप्शन ए कार्बन से, ऑप्शन बी नाइट्रोजन से, ऑप्शन सी मरकरी से, ऑप्शन डी सीजियम से। हाँ प्रिंस जोशी होगा, मैंने चेंज कर दिया उसको। तो क्वेश्चन नंबर 50, मीनामाता डिजीज जो है वो आपके किससे होता है, मरकरी से होता है, ठीक है, किससे होता है, आपके मरकरी से होता है। मीनामाता डिजीज आपकी एक न्यूरोलॉजी डिजीज होती है, ठीक है, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड डिजीज होती है, यानी दिमागी आपको बीमारी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, मीनामाता डिजीज जो होता है वो किससे होता है, जितनी भी फैक्ट्रिया वगैरह होती है उसमें जितने भी केमिकल टॉक्सिक वगैरह जो होते हैं, जिसको समुद्र के पानी में छोड़ दिया जाता है, और वो क्या करती है, मछलियों के अंदर जाता है, और उस मछलियों को हम लोग खाते हैं, तो उससे वो बीमारी हो जाती है, कौन सी, मीनामाता बीमारी, ठीक है। मीनामाता बीमारी किससे होती है, जो हम मछलियाँ वगैरह खाते हैं ना, ज़्यादा टॉक्सिक मछलियों वगैरह का जो हम लोग सेवन करते हैं, उसके कारण से होती है मीनामाता बीमारी, ठीक है। तो ये जो था, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आप सभी को मैं बता दूं, परसों 25 जुलाई को एक मैं क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रही हूँ, वो सीरीज़ है 1000 करेंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज़, जो कि आपके जनवरी से लेकर के जुलाई तक की होगी। इसको हम 5 पार्ट में करेंगे, एक दिन में 200 क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपकी क्लास होगी परसों 1 बजे 1 PM पे, किस पे, लेट्स क्रैक एसएससी एग्ज़ाम चैनल पे,
ठीक है, आपके ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे किसके, जो आपके एग्जाम में आएंगे। अगले महीने से आप लोगों के एग्जाम है, इसलिए इस 1000 क्वेश्चन की सीरीज को आप लोग जरूर ज्वाइन करना लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम चैनल पे। जो भी बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, GA/GS/वर्षा सिंह, ठीक है, GA/GS/वर्षा सिंह, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पे आपको क्लासेस की अपडेट एंड PDF मिल जाएगी। और आप कोड यूज़ करिएगा वर्षा, VARSHA, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप इस कोड का यूज़ करते हैं वर्षा का, तो आप जो भी कोर्स खरीद रहे हैं, अगर आप SSC का खरीद रहे हैं तो SSC के आपको सारे एजुकेटर, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। बैंक का खरीद रहे हैं तो बैंक के सारे एजुकेटर और सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो मतलब जो भी कोड यूज़ कर, मतलब जो भी कोर्स आप लेते हो, इस कोर्स से आपको उस कोर्स के सारे एजुकेटर और सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को गलतफहमी होती है कि मैम का कोड यूज़ करेंगे तो सिर्फ मैम का ही कोर्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी कोर्स लेते हैं उसके सारे एजुकेटर और सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो जनवरी से लेकर के जुलाई का करंट अफेयर होगा 5 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। तो पहला पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जो है, वो आपका परसों होगा लेट्स क्रैक SSC एग्जाम चैनल पे। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ये टेलीग्राम का चैनल है। और मेरा रेफरल कोड याद रखना वर्षा, VARSHA, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन अगर लेना ही है आप लोगों को तो 28 तारीख से पहले ले लो, ताकि आपको ज़्यादा नहीं पे करना पड़े, ठीक है। कोड वर्षा याद रखना। रिपोर्ट एंड विन, अगर आपको किसी भी एजुकेटर के कंटेंट में कुछ अप्रोप्रिएट लगता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस टीचर को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका रिपोर्ट जेन्युइन होगा तो आपको अनअकैडमी की तरफ से प्राइजेस मिलेंगे, ठीक है। और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो एवरीवन, बाय, टेक केयर, अच्छे से रहो, खाओ पियो, मस्त रहो, एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करो, और जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।